लोगों ने मन बना लिया है क्या कहें? ना 2 लाख वोट तो से निकाल लेंगे। हाँ? दोष है किसे? चंद्रशेखर आजाद को। हाँ जी, ऐसे थोड़ा ही गाड़ी से 15 गांव आज अपना तेल अपने आदमी 15 गांव में इंक्वायरी करी शिवा चंद्रशेखर से अलावा और कोई यही ना भैया। हाँ 2.5 लाख से भी कहना चाह रहे थे कि उनकी मुच्छो पे फिदा है ये पब्लिक। हाँ जी, वे हमारे जैसे आदमी है, वे हम तो फिदा है उन पर, दिलों जान जैसे उनकी मुच्छे होंगे ऐसे उनके काम होंगे। हाँ, आपके वोट इतने पड़ जाएंगे कि ईवीएम भी दुकाने से भी जीत जाएंगे आपका। सामने खड़ी कर देंगे, जो पब्लिक वोट देगी ईवीएम को तो हम फेल कर देंगे आपका। पब्लिक सामने बिल्कुल सामने खड़े कर देंगे 250 आदमी। हाँ जी, आपका हम तुम चलवाता हूँ। 10 लाख में अकेले चंद्रशेखर भैया हैं और वो 6 लाख में 3-4 हैं, फिर भी नहीं निकलेंगे भाई। मुझे ऐड लो अपनी चंद्रशेखर भाई, ऐड लो। हाँ, आपका तो और लंबी कर लो। उनकी बात से कितना आप सहमत हैं? उनकी बात से तो हम 100% सहमत हैं और गांव का रुझान भी हमारा ऐसा है कि सब लोग चंद्रशेखर के साथ हैं। इस बार पता नहीं कैसे माहौल बना कि हम लोगों से कहते हैं, हालांकि हम पहले समाजवादी के आदमी थे लेकिन समाजवादी के हालात देखते हुए, बीजेपी के हालात देखते हुए, हर पार्टी के, बहन जी को पहले मैंने उस जमाने में जब मेरा जमाना था तो मैंने बहन जी को उंगली पकड़ के पैदल चप्पलों में घुमाया था, लेकिन बहन जी जिस तरीके से पलटी, जो दलित समाज का उन्होंने साथ नहीं दिया आज तक वो दिया, तो जब हम सब कुछ परखने के बाद आज हमें चंद्रशेखर में वो गुण नजर आते हैं कि जनता के साथ मिलकर काम करेंगे और ठीक काम करेंगे और जनता के काम आओगे। मतलब जो बहन जी के साथ में काम किए, बहन जी की चौपाल तक लगाई है, आज वो भी चंद्रशेखर के साथ। हाँ, आज हम चंद्रशेखर के साथ है, जैसा आज चंद्रशेखर की चौपाल लगा रहे ना हम, इसी तरीके से कभी हम बहन जी की चौपाल लगाते थे। चंद्रशेखर तो युवाओं का भविष्य खराब कर रहा है, उन पे मुकदमे लगवा लग जा रहे हैं, उनका भविष्य खराब हो जा रहा है, तब भी आप लोग चंद्रशेखर पे भरोसा कर रहे हैं? देखो, जब भी कोई नया आदमी मैदान में आता है तो जो विपक्षी लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ उसमें कमी निकालने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बहाना ढूंढते हैं जिससे जनता को विश्वास बने कि भैया मुकदमे घुस देगा, ये नेता नहीं है। लेकिन नेता तो वो है जिसे हम नेता बनाएंगे। हमने चंद्रशेखर को नेता मान लिया, हमें उम्मीद है कि इस बार हम चंद्रशेखर को नेता बनाएंगे और वो बिल्कुल जीत के इस बार लोकसभा जरूर पहुंचेंगे, हमें 100% भरोसा और उम्मीद है। जिस तरीके से हमने प्रधान जी से बात की, चाचा से बात की, लोगों का भरोसा है कि अब की बार चंद्रशेखर को जो है सांसद बनाकर संसद में भेजेंगे, क्या कहेंगे? जो हमारे चाचा की राय है ना, वो हमारी राय है, क्योंकि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ एसएससी जेल की। मुझे पता है कि नौकरी जॉब लेना कितने भारी टाइम पड़ रहा है। नौकरी में देख लो ये मान लो कि जब से इनकी सरकार मिली ना बीजेपी की, नौकरी का ये समझ लो कि 0.0 इतना मुश्किल हो चुका है, नौकरी लेना बहुत मुश्किल। मतलब छात्रों, युवाओं का, सबका भरोसा सिर्फ चंद्रशेखर पे। चंद्रशेखर आगे तो हमारे पास आवाज कहेंगे, क्योंकि वो पार्लियामेंट में मेंबर, वो नए युवा हैं। जब NRC हुई थी, जब हमने प्रोटेक्शन करा था, NRC से बात छोड़ो, हमने अपने रोजगार के लिए अपने प्रोटेक्शन करा था जंतर मंतर दिल्ली में, तो उन्होंने उस टाइम हम पे लठ फेरे, हम पे लाठियाँ फेरी, बहुत फेरी। उस टाइम हमारे चंद्रशेखर भैया आए, हमें सपोर्ट किया, तो इससे बड़ी बात हमें क्या सकती है। अभी आप कह रहे थे कि अब की बार जो है आप लोगों ने मन बना लिया है, क्या कहें? ना 2 लाख वोट से निकाल लेंगे। हाँ? दोष है किसे? चंद्रशेखर आजाद को। हाँ जी, ऐसे थोड़ा ही, हम तो चंद्रशेखर पसंद किसान आदमी, हम पे तो ज्यादा बोलना ना आता। हाँ जी, चंद्रशेखर किसान आदमी है और किसानों की आय दुगनी तो मोदी जी कर रहे थे। मोदी जी का, हाँ मोदी अगर आने वाले चुनाव में सपा जाएंगे, अब ना मोदी जी का चांस खत्म। हाँ जी, अच्छा सपा बसपा बीजेपी किसी का असर नहीं पड़े? नहीं कुछ नहीं, ये तो 2 लाख वोटों से निकल गया। कहाँ घूमे तुमने? आज हम कम से कम 15 गांवों में घूम गए। 15 गांव अपनी गाड़ी में, अपनी गाड़ी से, अपने तेल से, टोटल तेल का भी पैसा नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोज गाड़ी चला रहे अपनी, रोज वो है हम पे, क्या नाम है, ब्रेजा कार हम पे। हाँ जी, अपनी गाड़ी से 15 गांव आज अपना तेल अपने आदमी 15 गांवों में इंक्वायरी करी शिवा चंद्रशेखर से अलावा और कोई यही ना। हाँ जी, माहौल पूरा एकदम गर्म, पूरा बिल्कुल, कोई कहीं मत जाओ। क्या कह रहे हैं चंद्रशेखर को सपोर्ट? आप भी जा रहे गाँव? बिल्कुल, चलिए आइए इधर आइए। तो सब चंद्रशेखर के ही है और कोई है ही ना आपका? अरे हम ये जानना चाह रहे हैं कि बाकी नेताओं को पसंद काहे नहीं कर रहे हैं? वो जब आए ना हमारे सामने कोई, हम से तो बेचारे चंदा ढाल कर ले गए बे, तो जब आज चंदा ले गए तो कल को तो हमारे सामने आवेंगे बे, हमें विश्वास है। यानी कोई भी ना देखा हमने यहाँ आज तक, आया ही ना कोई। हाँ, देख देख कर वापस चले जा, कोई मुंह ही ना दिखाता अपना यहाँ। यो आदमी पहला ऐसा है जो यहाँ आया। बात बताइए, वो 2 लाख वोटों से जिताने की बात कर रहे हैं,
पीएम का जो लोग जितामेंगे और 250 हाँ 2.5 लाख से भी कहना चाह रहे थे कि उनकी मुच्छों पे फिदा है ये पब्लिक। हाँ जी वे हमारे जैसे आदमी है वे, हम तो फिदा है उनपे दिलो जान से। जैसे उनकी मुच्छे होंगे ऐसे उनके काम होंगे। हाँ अच्छा एक बात बताइए, रुकिए, हमारी मिलती आदमी है, हम कह रहे थे जैसे कि ईवीएम का जिस तरीके से ये आरोप लगाया जाता है कि ईवीएम का घोटाला होता है जिसकी वजह से हार जाते हैं बाकी पार्टियां, अगर ईवीएम का घोटाला हो गया तो नगीना की जनता क्या सकते? आपके दो ईवीएम भी दुका देंगे ना, आपके वोट इतने पड़ जाएंगे कि ईवीएम भी दुकाने से भी जीत जाएंगे। सामने खड़ी कर देंगे, जो पब्लिक वोट देगी ईवीएम को तो हम फेल कर देंगे आपका। अच्छा, पब्लिक सामने बिल्कुल सामने खड़े कर देंगे 250 आदमी। हाँ जी आपका, हम तुम से बताओ 10 लाख में अकेले चंद्रशेखर भैया हैं और वो 6 लाख में 3-4 हैं, फिर भी नहीं निकले निकलेंगे वे चले 10 लाख में अकेले चंद्रशेखर हैं और 6 लाख में बाकी सारी पार्टियां हैं है। तो आप देख सकते हैं चाचा सबसे बड़ी बात कर रहे हैं कि अगर ईवीएम का घोटाला होगा तो ईवीएम तो जाए जनता को सामने खड़ा कर देंगे। बाकी इस तरीके से यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग है, ये जनता ने मन बनाया है अपने नेता को, अपने बेटा को, अपने भाई चंद्रशेखर रावण को वो सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत करेंगे और उनको वोट करेंगे, 2 नहीं 2.5 लाख वोटों से जिताएंगे। मुझे ऐठ लो अपनी चंद्रशेखर भाई ऐठ लो। हाँ आपका तो और लंबी कर लो। चलिए बाकी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।